इन 9 कीड़ों का घर में आना बहुत शुभ संकेत होता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यह बताया जाता है कि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं या हमारे घर के आसपास या हमारे घर में रहने लग जाते हैं, तो उनसे हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जगाने वाला है, हमारे घर में खुशियाँ सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, यह 10 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 10 जीव जंतु हमारे घर में आकर रहने लग जाते हैं तो समझ ले कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है, और यह 10 जीव जंतु हमारे घर में बेहद ही शुभ होते हैं। यह जिस भी घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, 10 जीव जंतुओं में से काफी जीव जंतु ऐसे हैं जो किसी न किसी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि दोस्तों भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं, जैसे कि हमारे परमपिता देवों के देव महादेव के वाहन नंदी के होते हैं, जैसे कि हमारे परमपिता महादेव के पुत्र कार्तिक के भैया के वहाँ मोर है। दोस्तों, यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। अगर यह जीव जंतु आपके घर में आ जाए और आप उनकी पहचान ना कर पाओ तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था, आपको जो भी परेशानियां रही थी, वह सब समाप्त होने वाली है और आपका अब अच्छा समय आने वाला है। तो चलिए जानते हैं उन 9 कीड़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, छछुंदर। दोस्तों, आपने छछुंदर को देखा तो होगा, जो कि रात में निकलती है। वह एक मूषक जैसी दिखाई देती है जो मूषक से बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछुंदर का प्रवेश हुआ है तो समझ जाना कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक सके। वहाँ बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छछुंदर जी घर के अंदर प्रवेश करती है, उस घर का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, छछुंदर बहुत ही सुख समृद्धि लाने वाली होती है। यदि छछुंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आएगी। वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। यदि छछुंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा दे, चक्कर लगा दे, तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल 100% तय होता है। उस व्यक्ति के भाग्य को उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है कि वह करोड़पति भी बनने की संभावना रखता है। छछुंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बताया गया है, यदि हमारे घर में छछुंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती हैं। मानो कि उस घर के अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर देने वाली है। यदि छछुंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो दोस्तों उसके घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने के संकेत शुरू हो जाते हैं और उस घर में कहीं ना कहीं से सही रास्ते से धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हो तो हो सकता है कि आपको आपके बिजनेस में अचानक धन प्राप्त हो सके, इसीलिए छछुंदर जी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल निश्चित होता है। नंबर 2, चूहा। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहे को कभी घर में ना रहने दे। चूहा हमेशा दुख और दर्द ही चाहता है, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना जरूरी होता है। दोस्तों, चूहे को कभी भी आप अपने घर की तरफ ना रहने दे, जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकालकर बाहर छोड़ आए। चूहे को रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है,
लेकिन यह जिस घर में होता है उस घर में दुख दरिद्र और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है, उस घर से बीमारियां हमेशा बनी रहेगी और उस घर से कभी बीमारी नहीं जाएगी। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी, सदैव दुख और कष्ट बने रहेंगे। नंबर 3, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। अगर आपके आसपास या आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना दिया है या जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब साथ ही नहीं देता। प्रिय दोस्तों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं और लाखों हजारों छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में उतने ही छेद हो जाते हैं कि उनके भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। इसलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता न बनाने दे, घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता न बनाने दे। अगर आपको कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे जाए तो आप उसे वहां से तुरंत हटा दे। हमेशा दुख और दरिद्रता कष्ट देने वाला मधुमक्खी का छत्ता होता है, इसलिए मधुमक्खी अगर आपके आसपास है तो उससे दूर रहें और अपने पास में मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल भी ना पड़े रहने दे। नंबर 4, तितली। तितली जिस घर में आती है उस घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नजर आती है। उस तरीके से तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियां लेकर आती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज का अच्छे से वर्णन किया गया है कि बटरफ्लाई तितली जब भी किसी के घर में आती है उस घर का समय अच्छा होता है और उस घर में खुशियां आती है। इसलिए आपके घर में जब भी कोई तितलियां बटरफ्लाई आए तो हमेशा शुभ संकेत ही लेकर आती है। नंबर 5, बिच्छू। बिच्छू दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना एक पीड़ा का संकेत होता है, तो समझ ले कि वह संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पीड़ा आने वाली है। दोस्तों, लेकिन आपको यह दो बिच्छू चैन बनाकर यानी कि एक के पीछे एक इस तरीके से चैन बनाकर दिख जाए तो समझ ले कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है, और यदि चैन बनाकर के आते हुए आपके घर में प्रवेश करते हुए दिख जाए तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। वह दुख दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है, वह दूर होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जो बिच्छू है वह सुनहरे कलर के होने चाहिए। नंबर 6, छिपकली। दोस्तों, छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपके घर में छिपकली आए तो समझ ले कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि आपका पूजा घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है या आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर भी अगर आपको छिपकली दिखाई दे जाए तो यह बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। बहुत जल्द महालक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है, शुभ संकेत लेकर आती है। छिपकली यदि आपको दो पूछ वाली कहीं पर दिखाई देती है तो समझ ले बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। दोस्तों, छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूल कर ना मारे। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या आप नहीं चाहते कि आपके घर में छिपकली आए तो आप उनको थोड़ा सा डराकर भगा सकते हैं, लेकिन आपको छिपकली को भूलकर भी नहीं मारना चाहिए।
नंबर 7, चींटी। दोस्तों, चींटी बहुत अच्छा शुभ संकेत लेकर आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर आ रही है तो बहुत ही जल्दी आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। बहुत ही जल्दी आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली है और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। तो समझ ले, आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। यदि आपके घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम चल रही थी तो वह अब सोल्व होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वह जल्द ही सुधरने वाला है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे या दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश करती दिखाई देती है तो समझ ले कि आपको कहीं से धन प्राप्ति होने वाली है और आपकी तरक्की होने वाली है। अगर हो सके तो आप हर दिन चींटियों को चीनी में मिलकर आटा अवश्य खिलाएं। चींटियों को रोज दाना डालना चाहिए। यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आपकी बाधाएं दूर होती है और आप तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसलिए हो सके तो आप चींटियों को हर दिन चीनी मिला हुआ आटा अवश्य खिलाएं। नंबर 8, भवरा। जिस घर में भवरा आ जाता है उसे घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है। इसे कोई टाल नहीं सकता। प्रिय दोस्तों, यदि भवरा आपके घर में आता है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्य का चमकने का समय बहुत ही जल्द आने वाला है। नंबर 9, कछुआ। दोस्तों, कछुआ यदि आपके घर में आता है तो समझो कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी के चरण आपके घर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में आता है। प्रिय दोस्तों, अगर अकस्मात जंगल से दौड़ता हुआ कछुआ किसी भी घर में आ जाए तो उसे घर का समझ लीजिए, आपका भाग्य उदय होने वाला है। श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में होने वाला है, शुभ संकेत माना गया है। उसे घर के भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उसे घर की परेशानी दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती है। प्रिय दोस्तों, कछुआ जिस घर में जाता है उसे घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चली जाती है। इसलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यदि ऐसे जीव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने घर की सुविधा और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपके घर में गंदगी ना हो तो आप उनको साफ कर दे। यह हमारे नसीब के तारों को खोलना आते हैं, इसलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जेल नहीं रहने दे। मकड़ियों के जाल को तुरंत साफ कर दे। अगर हमारे घर में मकड़ी के जाल होंगे तो हमारे घर में तरक्की के रास्ते रुक जाएंगे। इसलिए घर में कभी भी मकड़ी के जेल नहीं होने चाहिए। मकड़ी के जाल होने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती और हमारे घर से दूर चली जाती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।